हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को ये स्टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उनको नहीं मिल पा रहा है कहाँ से डाउनलोड करना है ना। तो आपके लिए मैं बड़ा इजी कर देता हूँ। देखो, ये स्टेट का एडमिट कार्ड पेपर 2 अभी एग्जाम होने वाला है, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है बहुत ईजीली तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो जस्ट आपको गूगल पे टाइप करना है वेबसाइट, है ना, secondary.biharboardonline.com। इतना टाइप करेंगे, पहला जो लिंक खुल जाएगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। लिंक पे क्लिक करेंगे जिस पे पॉपअप खुलेगा, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप जैसे आप ये लिंक खोलते हैं, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको आएगा सेकेंडरी एडमिट कार्ड। जस्ट उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दो चीज़ें करने के लिए आएगा। क्या क्या करना रहेगा आपको इसमें, सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना रहेगा, है ना। जो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, मिला होगा। आपको उस पर क्लिक करना है, सॉरी क्लिक नहीं करना है, आपको इसमें जस्ट पुट आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है कि आपने कि 4 जनवरी 4/1 और मान लो 1995 के आपको, है ना। तो आपको कैसे भरना है, तो देखो आपको ऐसे भरना है 04-, है ना, फिर उसके बाद 01-91995, ऐसे ही आपको भरना है। अगर आप किसी और तरीके से भरेंगे तो ये आपका नहीं लेगा। इसमें देखो यहाँ पे शो भी कर रखा है DD-MM-YYYY। ठीक है, तो आपको ऐसे इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है जिससे कि आप आराम से अपना इजीली तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सको। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे करना है ना। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए समझने में, है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय पे एप्लीकेशन नंबर आया होगा, है ना, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जस्ट डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है DD-MM-YY। मैंने आपको एग्जाम्पल तरह बता दिया, मान लेते हैं कि आपका 4 जनवरी को है तो 04-01-1995, है ना। ऐसे आप डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करेंगे और आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा आपको उसमें फिल कर देना। उसके बाद ये कैप्चा इसमें डाल देना, जैसे स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही डालना पड़ेगा, है ना, कैप्स में रहेगा तो कैप्स में डालना पड़ेगा। जस्ट जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपका एडमिट कार्ड का पेज खुल जाएगा और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन लिखा आएगा, है ना, साइड में, वहाँ से प्रिंट करेंगे, आपका आराम से एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस लिंक के थ्रू आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।